हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे महाराष्ट्र सिंस मोर देन 12 इयर्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि येलो दांत यानी कि पीले दांतों को सफ़ेद करने में कितना खर्चा आता है। वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं कि अगर आपके दांत में पीलापन है तो अगर आप उसको वाइट करना चाहते हो तो कितना कॉस्ट पड़ेगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, हो ना हो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो ये स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। हर कोई चाहता है कि उसकी स्माइल बहुत ही अच्छी हो, बिल्कुल चमचमाती हो और उसके दांत बिल्कुल वाइट हो, लेकिन कभी कभी किसी किसी की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ हेल्थ इशू होते हैं, कुछ हैबिट्स होती है जिनकी वजह से दांत येलो हो जाते हैं। तो आज हम सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंड वन बाय वन जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, उनके कॉस्ट क्या होती है, किस तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है, ये सारी बातें आपको बताऊंगी। माउथ में टार्टर है यानी कि कैलकुलस है, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो ना, बहुत ही कैलकुलस गंदगी है और इसकी वजह से आप परेशान हो। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये बहुत कॉमन है, बहुत लोगों के ऐसे होते हैं। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेंटिस्ट को विजिट करके इसको क्लीन कराना है। क्लीनिंग इसको बोलते हैं और मेडिकली हम इसको स्केलिंग बोलते हैं। तो आपको ये कराना है। इसका जो खर्चा होता है ना, तो इसका खर्चा ज़्यादा नहीं होता है, इसका 800-900 से डिपेंड स्टार्ट होता है एंड 1000-1500-2000 तक जाता है। ये नॉर्मल लेवल की स्केलिंग होती है, स्केलिंग एंड पॉलिशिंग की जाती है। इसमें आपके दांत वाइट हो जाएंगे, अगर इस तरीके की गंदगी है तो ही इसके दांत वाइट हो जाएंगे। दूसरी हम बात करते हैं, अगर आपके दांतों में टबाको च्यूइंग है, आपकी टबाको ज़्यादा खाते हो, गुटखा ज़्यादा खाते हो, पान तम्बाकू वगैरह है, तो उनके निशान होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, वो इजीली से नहीं निकलते, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो बिल्कुल दांत ब्लैक हो चुके हैं। तो इस तरीके की अगर कोई समस्या है आपके माउथ में तो इसमें भी स्केलिंग ही हेल्पफुल होती है, यानी कि दांतों की क्लीनिंग ही की जाती है। और जिसका खर्चा, हर क्लिनिक का वैसे जो चार्जेस होते हैं अलग अलग होते हैं, बट मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली चार्जेस बता रही हूँ। इसका खर्चा हो सकता है 1500 से स्टार्ट हो और 2000-3000 तक जाए, क्योंकि जो स्टेन्स होते हैं इनको निकालने में थोड़ा मेहनत लगती है, टाइम लगता है। हो सकता है डॉक्टर आपको दो बार बुलाए, तो कभी कभी पेशेंट को दो बार भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि सिंगल सिटिंग में पॉसिबल कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है स्टेन्स रिमूवर में। तो इसका जो खर्चा होता है 2000-3000 तक ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। एंड अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपके माउथ में इस तरीके का कोई डिफेक्ट है कि इनेमल में ही डिफेक्ट हो गया, यानी कि जो दांतों की जो बाहर की लेयर है उसमें ही बनावटी कोई डिफेक्ट हो गया, इनेमल हाइपोप्लेजिया जिसको बोलते हैं हम, या अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा इनको मेडिकली बोला जाता है, तो इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो इसमें तो इनमें तो वीनरिंग ही करना पड़ता है, क्योंकि वीनरिंग जो होती है वही इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है। ये कैप की तरह होता है वीनरिंग, इसमें दांत के आउटर लेयर को हम हटा देते हैं और उसके ऊपर वो वीनर्स चिपका देते हैं। सो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत ही अच्छा, जैसे आप फोटो में देख रहे हो तो इजीली से आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि वीनरिंग क्या होती है, एंड ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। बट ये ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट होती है ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है नॉर्मल स्केलिंग से, और वही ट्रीटमेंट हर क्लिनिक का अलग अलग होता है, सिटी का अलग अलग होता है, हर डॉक्टर का अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो अगर ये वीनरिंग स्टार्ट करे तो हो सकता है किसी क्लिनिक 5-6 हज़ार से स्टार्ट हो एंड 10-15 हज़ार तक पर टूथ, में बता रही हूँ 10-15 हज़ार रुपये तक पड़ सकता है एक दांत का वीनर, तो ये कॉस्ट होती है। एंड ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है वीनरिंग होने के बाद, तो जिससे आप फोटो में अच्छे से देख पा रहे होंगे तो वही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर उस इंडियंस के जो दांत होते हैं स्लाइटली येलोइश होते हैं, तो कुछ लोगों को बहुत अजीब लगता है, कुछ लोगों के माउथ में खाने की वजह से येलोनेस ज़्यादा होती है, या फिर चाय जो लोग ज़्यादा पीते हैं उनके माउथ में उनके दांत भी येलो ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई ऐसा है कि दांत बिल्कुल पीले हैं और उनको सफ़ेद करना है, तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं टीथ वाइटनिंग। टीथ वाइटनिंग और इसको ब्लीचिंग भी बोलते हैं, दांतों में ब्लीच किया जाता है एंड जिससे दांतों का कलर चेंज होकर वाइट हो जाता है। तो इसमें जो खर्चा होता है इसमें भी 5-7 हज़ार से स्टार्ट होता है, 10-12 हज़ार तक ब्लीचिंग कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा मटेरियल का ब्लीच आप कर रहे हो, ऑफिस ब्लीच होते हैं, होम ब्लीच होते हैं, अलग अलग टेक्निक से किए जाते हैं, अलग अलग मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो कॉस्ट भी उस पर डिपेंड करती है। बट ये पूरा ब्लीचिंग जो होता है इसमें भी कलर चेंज हो जाता है।
इसका जो इफेक्ट होता है, जो कलर चेंजिंग का जो इफेक्ट होता है, ये 7 से 8 महीने तक व्हाइट रहेंगे, उसके बाद अपने नॉर्मल कलर पे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये परमानेंट नहीं होता है कि आपने एक बार करा दिया और लाइफ लॉन्ग आपके दांत ऐसे रहेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये वापस आपके नॉर्मल कलर पे आ सकता है दांत। और इसके साथ आपको थोड़ा सा मेंटेनेंस जो देनी पड़ती है कि दांतों को कॉफ़ी टी वगैरह का सेवन थोड़ा कम करना पड़ता है, तो क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉफ़ी टी वगैरह लोगे उतना ज़्यादा आपके दांतों में स्ट्रेन्स लगेंगे, कलर वापस आ सकता है। तो ये रही सारी बातें। अगर डाउट है कि आपके किस तरीके की येलो है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।